स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर पोयम एबू बेन एदम से। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है ये, और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट से देखते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हु वॉज एबू बेन एदम, वॉट इज मीन्ट बाई मे हिज ट्राइब इंक्रीज, वॉट इज द एटीट्यूड of the narrator to Abu Ben Adam। तो यहाँ पे कौन थे ये Abu Ben Adam, और इसका मतलब क्या होता है कि उनका कबीला और बढ़े, और क्या रवैया है नरेटर जो बता रहा है पोयम उसका Abu Ben Adam के लिए। Abu Ben Adam was a ruler of Balkh। बल्क के ये रूलर थे, इनको संत भी कहा गया। He lived a noble life। बिल्कुल एकदम सज्जन व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे। He dedicated his life to the service of his humanity। By may his tribe increase, the poet prays to God that men like Abu may increase। The narrator holds Abu in high esteem। इन्होंने समर्पित कर दिया अपनी पूरे जीवन को मानवीय सेवा में, मानव की सेवा करने में, और ये जो मतलब है कि उनका कबीला बढ़े, इससे जो पोएट है, कवि है, वो गॉड से ये प्रार्थना करता है कि ऐसे लोग जो हैं और हों और बढ़े। और जो नरेटर है, जो वक्ता है यहाँ पे, वो जो है उसके नजर में ये अबू बेन अदम क्या है, एक उच्च सम्मानजनक व्यक्ति है, तो काफी सम्मान लगता है वक्ता उनके लिए। Explain the meaning of deep dream of peace। How could Abu have peace? तो इसका क्या मतलब है कि जो है बिल्कुल गहरा ख्वाब शांति का, और कैसे जो है कि Abu को है वो जो है शांति मिली, है ना? How could Abu have peace? Abu was a man of clean conscience। Clean conscience का मतलब होता है स्वच्छ चेतना का आदमी था Abu। He had no enemies, कोई भी उनका दुश्मन नहीं था। He had no worries, कोई दुख वगैरह नहीं था। He was a saintly man, वो एक संत आदमी थे, and so he always had a peaceful and undisturbed sleep। और इसीलिए संत होने की वजह से ही जो है, और कोई दुश्मन वगैरह नहीं, कोई दुख वगैरह नहीं, तो इसीलिए जो है इनको शांति रूपपूर्ण बिना कोई डिस्टरबेंस वाली जो है नींद आती थी। मतलब कोई ऐसा ख्याल ही नहीं था। अब हम लोग हैं तो सुबह से शाम तक जो है कि कई सारे ख्यालात आते रहते हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं था। मानवीय सेवा कर रहे थे, साधारण जीवन बिता रहे थे, तो इसीलिए जो है इनको शांति थी। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मून लाइट इन अबूज रूम। व्हाई इज मून लाइट कंपेयर टू अ लिली इन ब्लूम। तो वर्णन करना है जो प्रभाव था चांद की रोशनी का अबू के कमरे में उसका। इसके साथ ही ये भी बताना है कि जो चांद की रोशनी है, चांद की चांदनी है, इसको लिली, खिलते हुए लिली के साथ क्यों कंपेयर किया गया है। अबूज रूम लुक्ड ब्राइट इन द मूनलाइट नाइट, द एंजल लुक्ड लाइक अ लिली दैट वाज गोइंग टू ब्लूम, बिकॉज इन द मूनलाइट द रेडिएंट एंजल लुक्ड ब्राइटर एंड मोर ब्यूटीफुल। अबू का जो कमरा था वो चमकदार दिख रहा था चांद की रोशनी में, रात में, तो जो फरिश्ता था वो किस तरह था, एक लिली के फूल की तरह था जो कि खिलने वाला था। और खिलता क्यों, क्योंकि खिलता इसलिए क्योंकि चांद की रोशनी में, एक तो वो पहले से रेडिएंट मतलब चमकीला था एंजल, तो चांद की रोशनी में उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती, और ज्यादा वो खूबसूरत दिखता, तो इसीलिए इसका कंपेरिजन यहाँ पे खिलते हुए लिली से किया गया है। वॉट डज अबू बेन एदम Encounter upon awakening give significance of the book of gold। तो यहाँ पे अबू का किस चीज से सामना होता है जब वो जगते हैं तो, और यहाँ पे importance बतानी है वो जो सोने की किताब है, सुनहरी किताब उसकी। अबू saw an angel in his room। अबू ने क्या देखा, एक फरिश्ता देखा अपने कमरे में। The angel was writing in a golden book। वो सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा था। The book of gold refers to heavenly book in which good deed of mortals are recorded। यहाँ पे book of gold जो है, यानी सोने की किताब, इसको refer किया गया है कि heavenly book,
हेवनली बुक यानी कि वो जो हेवन से आई हुई है ना, और वो ऐसी किताब है जिसके अंदर लोगों के अच्छे काम लिखे जा रहे हैं, गुड डीड्स ऑफ मोर्टल्स। मोर्टल्स जो कि नाश्वर हैं, जिनका नाश होगा उनको कहा जाता है, जिनको मृत्यु आएगी उनको, तो वो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द सेकेंड विजन ऑफ आबू बेन एदम। अब आपको यहाँ पे वर्णन करना है ये जो दूसरा दृश्य अबू बेन एदम ने देखा। द नेक्स्ट नाइट द एंजल केम अगेन विद डैजलिंग लाइट विच अवेकेंड अबू फ्रॉम हिज पीसफुल स्लीप। अगली रात को जो फरिश्ता है वो दोबारा आया चमचमाती हुई लाइट से, और इससे जो अबू है वो अपने शांति वाली जो नींद थी, बिल्कुल शांति से सो रहे थे, उससे वो जग गए। ही शोड अबू द लिस्ट ऑफ मैन हु गॉड लव्ड, हुम गॉड लव्ड। तो फरिश्ते ने क्या दिखाया? फरिश्ते ने लिस्ट दिखाई उन सारे लोगों की जिसको कि भगवान प्यार करते हैं। जो अबू सरप्राइज और बहुत ही आश्चर्य हुआ अबू को कि ही फाउंड हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उस में सबसे ऊपर किसका नाम है? अबू का। सेकेंड एक्सट्रैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज द प्रेजेंस इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है, किसको रिफर किया जा रहा है कि उसका प्रेजेंस, जो प्रेजेंस की बात की गई है कि कौन प्रेजेंट हुआ, उपस्थित हुआ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्हाट डज अबू से टू द प्रेजेंस। और यहाँ पे जो उपस्थित हुआ, जो सामने दिखाई दिया या जो प्रेजेंट था, उससे अबू ने क्या कहा? द एंजल इज रेफर्ड टू एज द प्रेजेंस इन द एक्सट्रैक्ट। कौन आ था उस दिन? उस दिन रात्रि में एंजल एक फरिश्ता था, उसी को रेफर किया जा रहा है प्रेजेंस। एबू आस्क द प्रेजेंस व्हाट ही इज राइटिंग इन द गोल्डन बुक। तो एबू क्या पूछते हैं फरिश्ते से? फरिश्ते से पूछते हैं कि तुम अपनी किताब में क्या लिख रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द विजन रेफर टू हियर। अब क्या यहाँ पे जो है कि विजन यानी कि जो दिखाई दिया उस वो रेफर किया जा रहा है, क्या दिखाई दिया? Why does it raise its head? जो दिखाई दिया उसने अपना सर क्यों उठाया? The angel is referred to as the vision here. जो विजन था यानी जो दृश्य था, जो दिख रहा था, वो कौन है? वो फरिश्ता है। He raised his head to answer Abu's question. तो उसने अपना सर क्यों उठाया? उसने अपना सर उठाया एबू के सवाल का जवाब देने के लिए। What does the angel tell Abu Ben Adam in the above extract? क्या बताता है फरिश्ता अबू को अबव एक्सट्रैक्ट में? तो द एंजल टेल्स अबू दैट ही वाज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज मैन हु लव्ड गॉड। यहाँ पे फरिश्ता वह अबू को बताता है कि वो लिख रहा है नाम उन लोगों के जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। व्हाट डज अबू क्यूरियसली आस्क द एंजल। अब उत्सुकता से क्यूरियसली क्या जो है अबू पूछते हैं फरिश्ते से, व्हाट मेक्स अबू लो। अब यहाँ पे क्या चीज है जो अबू को लो यानी यहाँ पे थोड़ा उदास कर देती है? तो अबू इज क्यूरियस टू नो इफ हिज नेम इज ऑल्सो देयर अमंग दोज हु लव्ड गॉड। तो अबू यहाँ पे उत्सुक है ये जानने के लिए कि क्या उनका भी नाम है उन लोगों के बीच में जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं। अबू इज नॉट डिसहार्टेड। अबू यहाँ पे जो है डिसहार्टेड नहीं है यानी बहुत ज्यादा निराश नहीं है, बट ही इज मोर हम्बल एंड पोलाइट। लेकिन अब वो और ज्यादा जो है हम्बल हो गए हैं, पोलाइट यानी कि बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो यहीं पे ये लो इसी बात के लिए यूज किया जा रहा है कि निराश तो नहीं है लेकिन और ज्यादा जो है कि वो अब वो हम्बल हो गए हैं और पोलाइट हो गए हैं। डज अबू फील डिसहार्टेंड एट एंजल्स रिप्लाई। अब यहाँ फिर से वही सवाल पूछ रहा है कि क्या वो निराश हो गए फरिश्ते के जवाब पे। विच वर्ड टेल यू सो, कौन से शब्द तुमको ये बताते हैं? व्हाट डज एबू रिक्वेस्ट द एंजल टू डू। और यहाँ पे एबू क्या जो है प्रार्थना करते हैं एंजल से करने के लिए? द एंजल्स रिप्लाई डज नॉट डिसहार्टन एबू। जो फरिश्ते का जवाब है वो उनको निराश नहीं करता है। द वर्ड्स बट चीयरली स्टिल, तो ये जो शब्द हैं कि अभी भी मतलब चीयरली, वो स्टिल अभी भी मतलब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं।
टेल अस दैट ही वाज नॉट डिसहार्टेंड, कि वो जो है निराश नहीं है, वेरी पोलाइटली एंड चेयरफुली, बहुत ही नम्रता के साथ और चेयरफुली मुस्कुराते हुए ही रिक्वेस्ट द एंजल, वो रिक्वेस्ट करते हैं एंजल से, प्रार्थना करते हैं टू राइट हिज नेम अमंग दोज हु लव देयर फेलो ह्यूमंस, कि उसका नाम उसमें लिखा जाए जो अपने जैसे लोगों को प्रेम करता है, यानी इंसान, ऐसे इंसान जो कि इंसान से प्रेम करते हैं, तो इस लिस्ट में नाम लिखा जाए। लेकिन वो दिखाया कौन सा लिस्ट था? वो दिखाया वो लिस्ट था जिसमें कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे ये ईश्वर से प्रेम करते हुए नहीं लिखवाना चाहते थे अपना नाम, कैसा चाहते थे कि इंसान से वो प्रेम करते हैं अपने जैसों। थर्ड एक्सट्रैक्ट है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंजल राइट, फरिश्ता क्या लिखता है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड द नाइट आफ्टर द एंजल वैनिश्ड, और क्या होता है उस रात्रि को जब फरिश्ता गायब हो जाता है। द एंजल कंसीडेड टू अबूज रिक्वेस्ट एंड रोट हिज नेम एज वन हु लव्ड हिज फेलो मैन, तो जो फरिश्ता है वो स्वीकार कर लेता है अबू की प्रार्थना को और लिख देता है नाम कि जो व्यक्ति प्रेम करता है अपने जैसों से, अपने जैसे मनुष्य से। देन एंजल वैनिश्ड, और फिर फरिश्ता गायब हो जाता है। ही अपीयर्ड अगेन द नेक्स्ट नाइट, और वो फिर अगले दिन आता है, अगली रात्रि को। ही शोड अबू दैट हिज नेम वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ दोज मैन हुम गॉड लव्ड। अब वो दूसरे दिन रात्रि को आता है तो अबू को दिखाता है, एक लिस्ट दिखाता है, फहरिस्त दिखाता है, जिस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम रहता है अबू का, और फहरिस्त उन लोगों की रहती है जिसको ईश्वर प्रेम करता है, गॉड लव्ड। ब्रीफली गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अबू बेन आदम, तो यहाँ पे इनका कैरेक्टर स्केच देना है। तो अबू बेन आदम वॉज नॉट स्ट्रिक्टली अ रिलीजियस मैन, बहुत ज्यादा कठोर कट्टरवादी जिसको कह सकते हो वैसे पुरुष नहीं थे। He did not worship God, और यहाँ पे वो जो है दिखाई दे रहा है कि ये पूजा नहीं करते थे गॉड की। He just served every human who needed any help, वो हर एक मनुष्य की सेवा करते थे जिसको कोई मदद की जरूरत थी। But God was pleased with him, लेकिन जो भगवान है उसके साथ खुश हो गए थे। God loved him because he loved his creation, और भगवान क्यों खुश हो गए थे? क्योंकि वो उनके creation से प्रेम करता है। Explain the following lines. अब इन lines को आपको explain करना है। It came again with a great wakening light. कि ये वो आया और फिर से आया एक जो है कि चमचमाती हुई रोशनी के साथ, great wakening light. And lo, और लो, Ben Adam's name led all the rest. यानी Ben Adam का नाम सबसे ऊपर है, वही नेतृत्व कर रहा है बाकी सारे नामों का, यानी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है। The angel appeared again with such a dazzling light that awakened Abu. तो चमचमाती हुई रोशनी के साथ जो फरिश्ता है वो आया और उसने अबू को जगा दिया। इट केम अगेन, ये इसी का मतलब है। और फिर दूसरा है कि इट केम टू अबू एज ग्रेट सरप्राइज दैट हिज नेम वाज ऑन द टॉप ऑफ दोज हुम गॉड हैज हैड ब्लेस्ड विथ हिज लव, यानी ईश्वर ने अपने प्यार से जिसको आशीर्वाद दिया है उसकी फरिश्त में, उस फहरिश्त में सबसे ऊपर किसका नाम? अबू का। On the basis of the above extract, ऊपर के extract की बुनियाद पे, bring out the main theme of the poem, जो poem का, कविता का main theme है वो बताना है। The angel showed Abu a list of those men whom God loved, तो यहाँ पे जो फरिश्ता है वो अबू को एक list दिखा रहा है उन लोगों का जिसको कि ईश्वर प्रेम करते हैं। It was absolutely surprising that the man who was not among one among those who loved God led the list of those men who whom God loved, और ये जो है बहुत ही वाकई में जो है बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि the man who was not one, ये व्यक्ति उनमें से नहीं था, among those who loved God, जो ईश्वर से प्रेम करता हो, ये उसमें थे ही नहीं जो ईश्वर से प्रेम करते हो। Led the list of those men, और वो नेतृत्व कर रहे हैं किसका? उन नामों में सबसे ऊपर है whom God loved, जिसको ईश्वर ने प्रेम किया। ये ईश्वर के प्रेम करने में नहीं है, लेकिन इनका नाम ईश्वर द्वारा प्रेम किए जाने में सबसे ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के बनाई हुई जो है मनुष्यों से प्रेम करते हैं, बनाई हुई चीजों से प्रेम करते हैं। What did the angel show Abu?
एंजल ने क्या दिखाया एबू को, हाउ कैन यू लुक एट द एक्सट्रैक्ट एज द क्लाइमेक्स इन द पोयम। तो यहाँ पे एबू को क्या दिखा रहा है फरिश्ता और कैसे तुम इस एक्सट्रैक्ट में देख सकते हो कि भाई ये क्लाइमेक्स था पोयम में। द थीम ऑफ द पोयम इज सिंपल, बहुत साधारण इसका थीम है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड। यही बात ना दिखाई गई, क्योंकि वो चाहते तो वो भी कहते कि भाई ईश्वर से प्रेम करने में मेरा सबसे ऊपर नाम लिख दो, लेकिन उन्होंने कहा कि मानव जाति से अपने जैसे लोगों से प्रेम करने में मेरा नाम ऊपर लिखो। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी यही ट्रू वर्शिप है, यही जो है पूजा है भगवान की, मानवता ही सबसे ऊपर धर्म है, परम सेवा है। गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो ह्यूमन बीइंग। तो भगवान उन्हीं से प्रेम करता है जो अपने मनुष्य, जो उसके बनाए हुए मनुष्यों से, यानी उसके अपने जैसे मनुष्यों से प्रेम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।